सी विद्या एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करती है। सी विद्या का जन्म 1 अप्रैल 1992 को वर्तमान तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। दिग्या की एक बड़ी बहन सी रमैया है जो तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती है। सी दिग्या ने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की है। सी दिग्या ने अपने करियर की शुरुआत 3 साल की उम्र में की थी। उन्होंने बच्चों की फिल्म भारती में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने तेलुगु टेलीविजन धारावाहिक में अभिनय किया है। उन्होंने 2010 में रवि बाबू द्वारा निर्देशित तेलुगु रोमांस फिल्म मनसारा में नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की, लेकिन फिल्म असफल रही। फिर उन्होंने मारुति द्वारा निर्देशित फिल्म बस स्टॉप में सह अभिनेत प्रिंस के साथ अभियान किया है, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद मलेला थिरमालो सिरिमिल्ला पुरा आई, जिसमें उन्होंने एक अकेली पत्नी की भूमिका निभाई जिसे एक लेखक से प्यार हो जाता है। उनके प्रदर्शन के बारे में द हिंदू लिखा है, वह बहुत आकर्षक दिखती है, सूती साड़ी उनमें सुंदर लगती है। आईडी ब्रेन कॉम ने लिखा था कि सी विद्या एक आदर्शवादी और स्वतंत्र महिला के चरित्र का प्रतीक है। उन्हें अच्छा प्रदर्शन किया है और प्रशंसा की प्राप्त है। उन्होंने 2011 में अपनी पहली तमिल नगरापुरामा की शूटिंग, लेकिन फिल्म की देरी का मतलब था कि उनकी पहली तमिल फिल्म वरुपदा था बलिमारा संग्रामा थी, जिसमें शिवकार्ती केतन के साथ थी, जिसे कोनाराम ने निर्देशन किया था। सी विद्या को उनके प्रदर्शन के आलोचक से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली। वरदराज रंगा ने लिखा था, अभिनेत्री अच्छी है, वह भाषा जानती है, प्रतिक्रिया शॉट लेना जानती है और ऐसा लगता है कि वह इसी परिवेश में है। यह देखना दिलचस्प होगा कि तमिल सिनेमा उसे क्या बनाता है। टाइम ऑफ इंडिया ने लिखा, लेकिन असली ऐश्वर्या नवोदित सी दिखिया है जो अभियाचक और बहुत अच्छी तरह से लिपसिंक कर सकती है, जो आज हमारी अधिकांश नायिकाओं के साथ नहीं है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, लता के रूप में नवोदित अभिनेत्री सी विद्या अच्छी तरह से भाव व्यक्त करती है, चरित्र में मसूमियत आकर्षक और नटकपन भर देती है। 2014 में वह 2 तमिल फिल्मों सुसेथीना जीवा और वेलाइकारी दुराई में दिखाई दी। उन्होंने 2015 और 2016 में कई फिल्मों में अभिनय किया है। 2017 के बाद उन्होंने सस्ती का अतराला बनाया और 2022 में जनगण मन के साथ वापसी की, जिसने उनकी मलयालम शुरुआत की।